जिससे आप छोटी सी तैयारी करने में मैथ्स क्रैक कर जाएं। और अगर आपने स्टेटिस्टिक कर ली तो 50% की जगह 60% आप निकाल ले जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री लाइफलाइन है। तो बात करते हैं अपन एनडीए की। एनडीए में जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस ऑफिसर, गाड़ी, बंगला, ये वो सारा कुछ मिलता है, तो इसका मतलब जो आपका मूल मंत्र था सक्सेस का वो पूरा होता है। लेकिन एनडीए में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें आप करके या समझ के बहुत जल्दी सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो आज हम और आप यही बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर हमेशा ये रहता है कि वो पेपर बताए जाएं, वो क्वेश्चन बताए जाएं, वो चैप्टर्स बताए जाएं, जिससे हम उतना ही पढ़ के सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि ट्वेल्थ का बर्डन आपके ऊपर रहता है, आप में से बहुत से लोग एनडीए एस्पिरेंट तो हैं ही, उसके साथ साथ जेई मेंस की भी तैयारी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के अपन एनडीए का एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप छोटी सी तैयारी करने में मैथ्स क्रैक कर जाएं। तो ये मैथमेटिक्स के लिए एक एनालाइज है जो लास्ट ईयर के पेपर का होगा। बात करते हैं बिना टाइम गंवाए, सीधे आते हैं मुद्दे पर, और ये 2022 का जो पेपर था उसका एनालाइज करते हैं, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि वो छह चैप्टर, जिन छह चैप्टर से आप तुरंत सिलेक्ट हो सकते हैं, उन छह चैप्टर को करके आप लगभग 50% मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। और 50% एनडीए के लिए जानते ही हो, मतलब गेम ओवर। ठीक, तो बात करते हैं, ये पेपर आपका रहा जिस पेपर के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इस पेपर में आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि बड़े आराम से आप इसको कुछ चीज़ें जो है ना सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। देखो, ये आपका मैट्रिक्स है, इसके बाद ये भी मैट्रिक्स, 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 ये भी मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि पहले छह क्वेश्चन तो मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स के थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे इसको बढ़ाते हैं। तो जब हम और आगे इसको बढ़ा रहे हैं तो आप देखना यहां से ये, फिर यहां पर भी ये क्वेश्चन भी मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिक्स का है, ये भी मैट्रिक्स का है, इवन ये भी मैट्रिक्स का है। तो पहले 10 क्वेश्चन आपने देखे मैट्रिक्स के। ऐसे ही कुछ और चैप्टर में बताने वाला हूं, मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप अच्छे से कर लें, जो क्लास 12th का और सबसे आसान टॉपिक है। फिर आप देखते हैं यहां से, ये जो आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम है, ये भी बाइनोमियल थ्योरम है, ये क्वेश्चन भी पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम से है। तो पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन यहां से भी उठते हैं। इसके बाद आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ यहाँ पे ये जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, या ये मैक्सिमम मिनिमा का है, पी एंड सी ये भी लगा हुआ है, यहाँ आपका चैप्टर बना गया। फिर एपीजीपी स्टार्ट होता है, मतलब एपीजीपी, इसके साथ एपीजीपी के कुछ क्वेश्चन ये हैं, कुछ अभी बाद में मिलेंगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे होंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, 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 इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री। ओह गॉड, मतलब एनडीए में जाने का रास्ता ही ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होता है। तो इस रास्ते को और आगे भी टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। इन टॉपिक्स में आप ये देख रहे हो सेट, रिलेशन, फंक्शन, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं। और यहाँ पर अब आप सेमेट्रिक, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब फिर बाइनोमियल की ये 2-4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इन बाइनोमियल क्वेश्चन करने के बाद, अच्छा ये ध्यान रखना है, एक ये टॉपिक है ना जरूरी, जरूर आता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। एक क्वेश्चन आता है, थोड़ी सी मेहनत, मतलब क्लास 5th-6th के, मेरी बिटिया 7th क्लास में है, उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। इतना आसान है ये टॉपिक, तुरंत आप कवर कर सकते हैं। फिर बाइनोमियल एपीजीपी ये आपको साथ साथ चल ही रहा है। यहाँ कैलकुलस पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप कैलकुलस में देख रहे होंगे ये कंटिन्यूटी है, इसके बाद ये डेरिवेटिव है, मतलब डिग्री, और ये भी है ना डिग्री, और मतलब ऑर्डर और डिग्री का भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर ये कैलकुलस पूरा चल रहा है, दे धनाधन पूरा कैलकुलस है। ये फंक्शनल इक्वेशन है, काफ़ी आसानी से निकल आता है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये भी सारा डेरिवेटिव का ही पार्ट्स है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, मतलब ये कैलकुलस पूरा आ रहा है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन के हैं, और इन सब बातों को करते हुए ये एपीजीपी मैंने बताया था ये आता है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक,
रिग्रेशन लाइन और मीन मीडियन मॉड, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगा होगा सर आपने तो सारा कुछ बता दिया, अब बचा क्या? ये सारे क्वेश्चन जो है ना सब स्टेटिस्टिक के थे। तो ये आपके सामने टोटल बातें रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 14 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 थे, सीक्वेंट एंड सीरीज से 5 थे, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कम था, लॉगरिथम से एक ही क्वेश्चन था, ठीक, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 8 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 क्वेश्चन थे। टॉपिक जरा सा है बेटे, इज अच्छा है। फिर आपने देखा होगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जिसके बारे में मैंने बताया था 10 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आए, प्रोबेबिलिटी 8 क्वेश्चन है, सेट रिलेशन फंक्शन से 8 क्वेश्चन है, लिमिट डेरिवेटिव, ये समझो यहां से लेके यहां तक अगर इसको समझेंगे आप, तो यहां आप देख रहे हैं कि सेट रिलेशन फंक्शन 8 क्वेश्चन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का भी कितने आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन लिमिट एंड कंटिन्यूटी के हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन का जो 4 है, डिफरेंशियल इक्वेशन या इंट्रीगेशन, इन सबके क्वेश्चन अगर मिलाओ तो कितना बड़ा एक पार्ट आता है, कॉनिक सेक्शन और लाइन 3D थोड़ा सा कम आता है। तो इसलिए अब मैं आपके सामने वो स्लाइड लेके आने वाला हूं, वो चीज लेके आना वाला हूं कि केवल 6 चैप्टर करने से 50% आप कर लेंगे। आप ध्यान देना, ये रहे वो 6 चैप्टर जिनसे आप 50%, कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन मैं बाइनोमियल थ्योरम की जगह आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैटिस्टिक करें, और अगर आपने स्टैटिस्टिक कर ली तो 50% की जगह 60% आप निकाल ले जाएंगे। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो तैयारी के लिए आप करें क्या कि सबसे पहले ये चैप्टर बहुत मजबूती से कर लें, और इनमें से ये ट्रिग्नोमेट्री अगर कर लेना आप, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब कैलकुलस है, तो पता है इससे ये भी बहुत अच्छी हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री लाइफ लाइन है, ट्रिग्नोमेट्री NDA की जड़ है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथमेटिक्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ट्रिग्नोमेट्री पे तो आपको फोकस करना ही करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे रिजल्ट्स हैं, और हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लगभग हर बार हमारे यहाँ से 20 से 25 बच्चे सिलेक्ट होते हैं NDA में। ठीक है, ये बात तो मैंने अपने लिए कही, लेकिन अब जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उन सारे वीडियोस में आपको इधर उधर की बातें नहीं, सीधी डायरेक्ट सीधी बात होगी NDA की बात, अभिलाषा क्लासेस के साथ। जय हिंद बच्चों।